साहब के द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो अभी भी हम लोगों के बीच है और आगे बहुत लोगों को प्रेरणा देता रहा है। डॉक्टरों की परिचय और पहचान एक बात से होती कि आपने कितने ऑपरेशन कर दिए, कितने बाईपास कर दिए, उसमें कितनी सफलता मिली, ये एक परिचय का बड़ा प्रमाणिकता माना जाता है कि ये परिचय इस तरह से माना जाता है। बट डॉक्टर मनचंदा साहब हमारे उसके विपरीत है। ये परिचय के उसके विपरीत इसलिए है कि इन्होंने कितने को बचा दिया बाईपास से, ये इस बात के लिए प्रचलित है। लगभग 1 लाख लोगों को इन्होंने, इनके सुझाव के माध्यम से 1 लाख लोग कम से कम बच गए होंगे बाईपास से, एंजियोप्लास्टिक से, जिसको नीड नहीं थी। जैसा कि हमने चर्चाएं भी की थी कि हम लोगों को क्या होता है कि डॉक्टर्स जनरली व्यापारिक दृष्टिकोण में आते हैं, डॉक्टर साहब बस उससे परे हैं। इन्होंने सत्य को सत्य कहा, बस इतना ही कहा है और कुछ नहीं कहा है। बाकी लोग सत्य को सत्य नहीं कह पाते, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण बन जाता है। तो हम लोगों का तो बिल्कुल मापदंड है कि अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि बाईपास करानी है तो फिर कुछ नहीं मुझे सोचना, फिर तो करवानी। और अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि साधना केंद्र चले जाओ और कैंप कर लो, तो फिर इसका मतलब बिल्कुल वो सही है, मामला नियंत्रण में है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो। लगभग 1 लाख लोगों को पिछले 26-27 सालों में साधना केंद्र में ट्रेनिंग चली है और उस ट्रेनिंग के दरमियान लोगों को 1 लाख लोगों ने जिसे अपने जीवन में इसे अपनाया, वो लोग इसका पूरा लाभ लेकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे पास हैं जो नेचुरल बाईपास के कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे साथ। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा क्योंकि सर के पास वैसे ही वक्त की कमी रहती है, बड़ा आग्रह के बाद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर बताएं कि अपने हार्ट डिजीज पर इन्होंने रिसर्च किया था, लाइफस्टाइल के द्वारा हम दवाइयों को कैसे कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, और हमारे इस लाइफस्टाइल को लेकर कैसे हम आगे बढ़ सके, इसके लिए ओवर टू सर, श्री डॉक्टर एस सी मनचंदा, पद्मश्री। थैंक यू सर, प्लीज। धन्यवाद अजय शर्मा जी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। धन्यवाद एक बार और। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम, मैंने देखा आपने अभी प्रेक्षा ध्यान किया, मैं भी प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ हूं। जैसे आपने सुना, मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, आजकल गंगाराम हॉस्पिटल में हूं, लेकिन साधना केंद्र के साथ जुड़ा हुआ हूं पिछले 27 साल से, जैसे आपने सुना। और हमने हजारों मरीजों को ठीक किया है जिनको हार्ट डिजीज थी, कईयों को बचाया है हार्ट डिजीज होने से, और अगर हो भी गई है तो आगे कॉम्प्लिकेशन से बचाया है। जैसे आपने सुना कि कई लोगों का बाईपास और एंजियोप्लास्टी हमने प्रिवेंट की है। आज मुझे कहा गया है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे बगैर दवाई के हृदय रोग को ठीक किया जा सकता है, इनके रोगों को ठीक किया जा सकता है। और मैं बताना चाहूँगा, साइंटिफिक एविडेंस है, और हम बताना चाहेंगे अपनी रिसर्च और कुछ और रिसर्च जिससे प्रूव हो चुका है जो हार्ट डिजीज है इसको आप रोक सकते हैं प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। तो अपनी रिसर्च भी मैं बताना चाहूँगा। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये परीक्षा बड़े बहुत तरह के योग होते हैं, बहुत तरह का ध्यान होता है, आपने सुना होगा काफी सैकड़ों तरह के योग हैं, लेकिन ये जो परीक्षा ध्यान आप कर रहे हैं बहुत एक सरल तरीका है और बहुत इजीली अपनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे मरीज होते थे 70 साल से 80 साल के, कहीं जमीन पर भी नहीं बैठ सकते थे, उन्होंने भी ये करके परीक्षा ध्यान किया, प्राणायाम किया, जैसे आपको सिखाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कई लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते, उनको चेयर पे बिठा के भी सिखाया गया, जिसको चेयर योगा कहते हैं। तो एक बहुत सरल इफेक्टिव तरीका है और साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई है। तो मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। मुझे बताया गया है कि आपको बताना है कि हार्ट डिजीज के से कैसे बचा जा सकता है बगैर दवाई के, और मैं बताना चाहूँगा कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा भी इससे बच सकते हैं। अभी हार्ट डिजीज होती क्या है? बहुत तरह की हार्ट डिजीज होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन डिजीज है उसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है, चलने में छाती में दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं कि एंजाइना हो गया है। ये हार्ट डिजीज इस वक्त मनुष्य के मौत का सबसे मुख्य कारण है सारी दुनिया में, और हमारे देश में भी हर एक तीसरे व्यक्ति जिसकी मौत होती है वो हार्ट डिजीज के कारण होती है। ये सबसे कॉमन डिजीज है और इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर हमारे देश में। कई लोग
कई देशों में ये कम हो गई है जैसे अमेरिका वगैरह में, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये कैलकुलेट किया गया है कि एक साल में तकरीबन 25 लाख लोगों की मौत होती है और छोटी उम्र में ही हो जाती है। ये जो हार्ट डिजीज़ है, जिसमें ये डिजीज़ क्या होती है, इस डिजीज़ को कहते हैं कि हमारी जो हृदय को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उसके अंदर एक चर्बी जैसा पदार्थ जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। और ये जमना शुरू कब होता है, 10 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, इसका पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये 70% से ऊपर हो जाए तो चलने में छाती में दर्द होता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को चलने में छाती में भारीपन आता है, सांस फूलता है और रुकने से ठीक हो जाता है, उसको चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसको ब्लॉकेज हो। और कई बार इस बीमारी की वजह से बहुत घातक बीमारी जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, वो हो जाता है। जब हार्ट अटैक होता है तो आर्टरीज पूरी ब्लॉक हो जाती है और इससे कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इसलिए ये बीमारी जो है बचपन से ही पैदा होती है। अब क्या कारण है कि ये क्यों कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाए? इसका कारण है कि हमारी जीवन शैली खराब हो गई। जीवन शैली के 4 अंश हैं जो खराब हो गए हैं, जैसे हमारा खान पान ठीक नहीं रहा, शारीरिक व्यायाम नहीं है, और सबसे ज़रूरी मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, और चौथा कुछ नशीली वस्तुओं का जैसे तंबाकू का प्रयोग ज़्यादा कर दिया है। इन चारों कारणों से ही होता है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि प्रेक्षा ध्यान का क्या रोल है। खान पान का कई बीमारियों से बहुत गहरा संबंध है, जैसे कि हार्ट डिजीज से भी है, हाई ब्लड प्रेशर से भी है, डायबिटीज से भी है, मोटापे से भी है। ये देखा गया है कि हार्ट डिजीज का कारण है कि हम ज़्यादा अगर तली हुई चीज़ें खाएं, अगर हम ठीक तरह का तेल इस्तेमाल नहीं करें, खासकर ये जो ट्रांस फैट्स जिसको कहते हैं, वनस्पति घी वगैरह, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। आप बाहर जब खाना खाते हैं तो वो तेल ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो अच्छा नहीं है, जिसमें वनस्पति है। और हलवाई से अगर आप समोसे लेंगे तो आप देखेंगे कि वो बार बार उसी तेल को गर्म करता है, बार बार गर्म करने से तेल को उसके अंदर ट्रांस फैट्स पैदा हो जाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमें घर का सादा खाना खाना चाहिए और रिफाइंड चीज़ें हमें नहीं खानी है। जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं वो खाएंगे तो कभी बीमारी नहीं होगी। ये पिछले 80-90 साल में हुआ है कि रिफाइंड चीज़ें हुई हैं। गुड़ को हमने रिफाइन करके चीनी बना दी, तो चीनी आजकल कम से कम खानी चाहिए, ना ही खाएं तो बहुत ही अच्छा है। उसकी जगह गुड़ या शक्कर खा सकते हैं। चीनी से ना केवल हार्ट डिजीज होती है, इससे डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है, मोटापा भी होता है। तो चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, उसकी जगह गुड़ या ब्राउन शुगर जिसको शक्कर कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, हमें मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेद रंग की डबल रोटी नहीं लेनी है, उसकी जगह हमें ब्राउन ब्रेड लेनी है। इसी तरह ये नान वगैरह या दूसरे नूडल्स वगैरह जो मैदे के बनते हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें। इससे भी बीमारी हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है और डायबिटीज़ हो जाती है। तीसरी चीज़, चावल जो है उसको भी वाइट राइस नहीं लेना चाहिए, ब्राउन राइस लेना चाहिए, क्योंकि रिफाइन करके उसके अंदर हम अच्छी चीज़ें निकाल देते हैं। और चौथा, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना। हमें तेल इस्तेमाल करना है जो रिफाइंड नहीं है, या कच्ची घानी का है, या एक्स्ट्रा वर्जिन है, तो उसका इस्तेमाल करना है। और खाने में हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। ये देखा गया है कि अगर हम फल और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो बीमारी कम होती है। तो इसलिए हमें फल इस्तेमाल करने चाहिए। ज़रूरी नहीं महंगे ही हों और सीजनल हों तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये कई बार आपने देखा होगा मार्केट में ये इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती हैं, इम्पोर्टेड सेब मिलता है, जो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हालांकि वो बहुत अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, क्योंकि वो 2-3 महीने पहले तोड़ा जाता है, फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, फिर आर्टिफिशली राइपन किया जाता है, तो वो ठीक नहीं है। तो सीजनल खाएं, और कोई भी फ्रूट अच्छा है आपके लिए, सस्ता अमरूद भी उतना ही अच्छा जितना सेब है, तो आजकल आम है, आजकल तरबूज है, वो उसका इस्तेमाल करें। दिन में 2-3 दफ़ा करें, खाने से पहले खाया जाए तो फ्रूट खाने से हमें बीमारी कम होती है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, इवन डायबिटीज़ भी कम। दूसरी चीज़ जो अच्छी है वो नट्स हैं। नट्स का मतलब है कि ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, इवन काजू बहुत अच्छा है हमारे लिए, इसको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें नमक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो सबसे आम बीमारी है। तो हमें खान पान ठीक रखना है। मैंने जैसे बताया
हमें एक तो शाकाहारी रहना चाहिए। देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको हार्ट डिजीज कम होती है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि जब हम वेजिटेरियन होते हैं तो जो फल और सब्जियों में फाइबर होता है जो किसी मांस वगैरह में नहीं पाया जाता, तो फाइबर से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और भी सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिसको फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, इवन कैंसर तक कम हो जाता है। तो फल और सब्जियां खाने से ना केवल हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं, कैंसर से बच सकते हैं और इवन मोटापे से बच सकते हैं। तो ये अपने खान पान का ध्यान रखना है, घर का खाना खाना है, सादा खाना खाना है, रिफाइंड चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है, बाहर का नहीं खाना है, खासकर जो वनस्पति घी में बना हो वो ठीक नहीं है। और तीसरा, नमक का हमें इस्तेमाल कम से कम करना है, तो इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये चार बीमारियां हैं जो खान पान से जुड़ी हुई हैं, जैसे शुगर की बीमारी है वो रिफाइंड चीज़ें खाने से होती है, तो वो डायबिटीज़ अगर किसी को, तो उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी है हाई ब्लड प्रेशर, नमक ज़्यादा खाने से और ये रिफाइंड चीज़ें खाने से ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। मोटापा एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, सबसे खतरनाक बीमारी, क्योंकि लोग मानते नहीं है बीमारी है, और ये भी इसी से जुड़ी हुई है। अगर हम ज़्यादा कैलरीज खाएंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, तो ये हो सकती है, और कैंसर भी इससे जुड़ा हुआ है। तो कई बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, अगर आप ठीक प्रकार खाना खाएंगे तो ये बीमारी कम होगी। अब कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाए, तेल सबसे अच्छा सरसों का तेल माना गया है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होते हैं, और कच्ची खाने का सरसों का तेल अगर इस्तेमाल करेंगे, रिसर्च हुई है इंडिया में कि जो इस्तेमाल करते हैं ये सरसों का तेल, उनको हार्ट अटैक 70% कम होते हैं, ये काफ़ी रिसर्च हुई है हमारी कंट्री में। अगर आपको सरसों का तेल अच्छा नहीं लगता तो आप देसी घी भी खा सकते हैं, आप कनोला खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, लेकिन देखें ये जो तेल है ये एक्स्ट्रा वर्जिन होने चाहिए, रिफाइंड नहीं होने चाहिए, तो ठीक प्रकार का तेल करें, इस्तेमाल करें तो ये बीमारी कम हो जाएगी। तो ये तो खान पान के बारे में हुआ। दूसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग शारीरिक व्यायाम नहीं करते ये बीमारी ज़्यादा होती है। शारीरिक व्यायाम का मतलब है कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आधा घंटा घूम सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन रोज आधा घंटा करना है और कम से कम हर रोज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा एक तो वजन कम हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है, इससे ब्लड प्रेशर भी ठीक हो सकता है, काफ़ी हद तक अर्ली स्टेज में है, इससे हार्ट अटैक की मात्रा 30% कम हो सकती है। तो शारीरिक व्यायाम के बहुत फायदे हैं, इससे ना केवल शरीर को फायदा होता है, हार्ट को फायदा होता है, सारे शरीर को फायदा होता है। इसलिए कहा गया है कि एक्सरसाइज नॉट ओनली एड्स इयर्स टू लाइफ बट पुट्स लाइफ इनटू इयर्स। अगर आप शारीरिक व्यायाम करते रहेंगे तो आप ना केवल लंबी उम्र जिएंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक पार्ट है योग का। आप देखें योग को भी कुछ जो आसन वगैरह करते हैं, ये इसमें देखा गया है, खासकर सूर्य नमस्कार, ये एक माइल्ड एक्सरसाइज की तरह है, तो योगा के अंदर एक्सरसाइज तो आ ही गई। तीसरी चीज मानसिक तनाव, ये सबसे जरूरी तनाव, मानसिक तनाव कई बीमारी से जुड़ा हुआ है, इस हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है, डायबिटीज से जुड़ा हुआ है और हार्ट डिजीज से तो बहुत जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कई बार लोग अगर कोई बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत कोई दुख हो जाते दुखी हो जाते हैं एकदम हार्ट अटैक हो सकता है। और इससे हमने भी देखा है कि अगर ज़्यादा गुस्सा करने से कई लोगों का हार्ट भी रुक सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो सारे बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, जैसे हॉर्मोन्स पैदा होते हैं जो हमारी आर्टरीज को, हमारे पैंक्रियाज को डैमेज कर सकते हैं और ये डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं। तो ये हमें तनाव से दूर रहना है, और सबसे अच्छा तरीका तनाव से दूर रहने का ये प्रेक्षा ध्यान, मैंने हज़ारों लोगों में इसकी स्टडी की है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुई है कि ये तनाव कम हो जाता है, एक बार तनाव कम हो गया तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है, ना केवल तनाव से हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी कम हो सकती है। तो ये तनाव को दूर करना है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका
प्रेक्षा ध्यान का है। हमारे पास ऐसे लोग थे जिनको बहुत तनाव था, लेकिन वैसे ही तनाव आजकल लोगों को होता है, लेकिन साथ में अगर हार्ट डिजीज हो तो लोगों को लगता है कि अब तो हम बचेंगे नहीं, ये नेगेटिव सोचने से तनाव। तो मैं तीन ही चीज़ें बताना चाहूँगा तनाव को दूर कर। खैर, प्रेक्षा ध्यान तो करिए, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में क्या बताया जाता है कि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, इसमें दुख और सुख है, दोनों ही हैं। जब दुख आता है तो आप एक व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, जैसे ही वो सोचता है क्यों हुआ, तनाव शुरू हो गया, फिर वो नेगेटिव सोचता है जब ठीक नहीं हो। लेकिन अगर आपका असर नहीं होता सुख दुख का, तो यही असली योग है, और ये 24 घंटे करना चाहिए। दूसरा ये है कि हम हमेशा भूत में या भविष्य में रहते हैं, फ्यूचर में या पास्ट में। पास्ट इज डेड, फ्यूचर अननोन है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, यही मेडिटेशन है कि आप एंजॉय करें जो प्रेजेंट है, डोंट स्टे इन पास्ट और इन फ्यूचर। तीसरी यही है कि तनाव दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, हम पैदा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे को इस व्यक्ति ने तनाव दे दिया, कोई तनाव नहीं दे सकता। व्यक्ति अच्छी बात या बुरी बात कर सकता है, उसका असर आप पे नहीं होना चाहिए, ये प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आप कर सकते हैं। तो ये तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका प्रेक्षा ध्यान। चौथी चीज़ मैंने बताई कि हमें तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये देखा गया है कि तंबाकू किसी भी शक्ल में लिया जाए, चाहे बीड़ी, चाहे सिगरेट, चाहे हुक्का, चाहे वो स्मोकलेस टोबैको या जर्दा पान मसाला, इनसे बहुत खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। आपको सबको पता है इससे कैंसर हो जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इससे हार्ट डिजीज भी हो जाती है। हमने देखा है 40 साल से कम उम्र के लोगों को जिनको जिनको हार्ट डिजीज होती है, ज़्यादातर कारण उनका तंबाकू है या फिर बहुत तनाव है। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में छोटी उम्र में ये बीमारी होती है, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में ये एल्डरली एज में, इसका भी हमें ध्यान रखना है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बताना चाहूँगा कि ये आप इसको ठीक कर सकते हैं, और अगर बीमारी है भी उसको भी आप कम कर सकते हैं। मैं अपनी रिसर्च के बारे में बताऊँगा। तो ये चार कारण है, आप ध्यान रखिए। अगर ये चार चीज़ें आप बचपन से शुरू करेंगे तो डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारियाँ काफ़ी बन जाएंगी, ना केवल हार्ट डिजीज से, डायबिटीज पर। फिर बताना चाहूँगा अपना खान पान, खान पान ठीक, शाकाहारी रहिए, उसके अंदर रिफाइंड चीज़ें जैसे चीनी का प्रयोग कम करें, नमक का प्रयोग कम करें, फल और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें जो सीजनल हैं, और नट्स का प्रयोग ज़्यादा करें, और तेल नॉन रिफाइंड इस्तेमाल करें, सरसों का सबसे अच्छा है, या देसी घी भी ले सकते हैं, बाजार का खाना नहीं खाएं। दूसरा, शारीरिक व्यायाम करें, आधा घंटा रोज़ घूमना चाहिए। तीसरा, तनाव से दूर रहें, और सबसे अच्छा तरीका प्रेक्षा ध्यान। और चौथा, आपको तंबाकू का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल नहीं करना है, सबसे ये बीमारी हो जाती है। तो लेकिन अगर बीमारी हो गई हो तो इसका कैसे इलाज करते हैं? मैंने बताया कि हम दवाइयाँ देते हैं और उसके बाद कभी एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं। एंजियोप्लास्टी बाईपास अच्छे हैं, तभी करना चाहिए कि अगर ज़रूरत है, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया तो स्टेंट डलवा लेना चाहिए, और अगर बाईपास कराना है तभी कराना है अगर दवाइयाँ बिल्कुल फेल हो गई। लेकिन बहुत बड़ी रिसर्च हुई है कि दवाइयों का भी, जीवन शैली का भी उतना ही असर है जितना कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास का। बहुत बड़ी स्टडीज़ हुई हैं, एक इस्कीमिया स्टडी अभी हुई है जो आपने शायद पढ़ी होगी, लास्ट ईयर हुई है अमेरिका में, सारी दुनिया में हुई थी, इंडिया भी उसमें था। उसमें ये दिखाया गया कि जीवन शैली के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, चाहे आर्टरीज ब्लॉक भी हैं तो भी आप उसको ठीक कर सकते हैं बगैर ऑपरेशन के। तो ये हमने बहुत साल पहले दिखाया था कि ये पॉसिबल है, लेकिन अब सारी दुनिया मानती है। तो अब इसको मैंने बताया, आप प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं इस बीमारी को। कैसे कर सकते हैं? आप सबको, आप सभी एक्सपर्ट हैं योग, और आपने काफ़ी सारे क्रियाएँ की हैं, समय से आप रोज़ कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, योग केवल कुछ आसन नहीं है, ये संपूर्ण जीवन शैली है। जब हमने योग शुरू किया आज से 40 साल अपने मरीजों में, तो उन्होंने कहा कि सभी बहुत मुश्किल है, उनको 70-80 साल के कैसे कर सकते। कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ कुछ आसन नहीं, ये पूरी जीवन शैली, जिसमें आप शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। फिजिकल का मतलब, शारीरिक तौर का मतलब है कि
खान पान भी एक पार्ट है योग का, सात्विक भोजन। जैसे मैंने बताया शाकाहारी भोजन, इसमें फल सब्जियां ज्यादा हो, नमक और चीनी का इस्तेमाल। लगता है नेटवर्क सर का कम हो गया है। सर लेफ्ट हो गए हैं सर। हाँ लगता तो है वो, फिर शायद दोबारा ज्वाइन करें, थोड़ा यस सा प्रतीक्षा कर लेते हैं, मैं एक बार फोन भी कर लेता हूँ सर को। यस सर कॉल कर लीजिए। मैं दोबारा ज्वाइन कर लिया, आवाज आ गया सर? हाँ सर आ रही है सर, बिल्कुल सर। जी 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 लेफ्ट हो गया। हाँ सर नेट का कई बार हो जाता मैं है सर। बता रहा, ये मैं बता रहा था कि योग केवल कुछ आसन नहीं है, जीवन शैली है। जिस तरह हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, जैसे मैंने बताया खान पान और शारीरिक व्यायाम और तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने हैं, दूसरा मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। जो मैंने बताया स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, वो सबसे अच्छा तरीका है प्रेक्षा ध्यान योग को ठीक करने के। तीसरा भावनात्मक तौर पर हम स्वस्थ रहते हैं। ये जो बुरे भाव है सभी को पता है, काम क्रोध मोह अहंकार, मैंने बताया जैसे किसी को गुस्सा आता है, एंगर है उसके अंदर, ईगो है, तो ये इनको ज्यादा बीमारियां होती हैं। और अच्छे भाव जो हमारे होते हैं, दूसरों की मदद करें, करुणा करें, कंपैशन करें, उससे बीमारी कम होती है, ये भी प्रूव हो चुका है। तो भावनात्मक तौर पर हमें स्वस्थ रखता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें गुस्सा नहीं आए, हमारे अंदर अच्छे भाव हैं, तो हम ना केवल स्वस्थ रहेंगे लेकिन हमारे घर में भी और अपने दफ्तरों में भी झगड़े कम होंगे। ये देखा गया है कि योग करने वाले लोग हमेशा शांत रहते हैं और वो किसी झगड़े में नहीं पड़ते हैं। अगर कितना भी कोई उनको क्रिटिसाइज करे, वो उनको गुस्सा नहीं आता। तो ये भावनात्मक तौर पर स्वस्थ रहना है, इससे और हमें आध्यात्मिक तौर पर स्वस्थ रहना है। आध्यात्मिक अगर हम रहेंगे तो ये बीमारी कम होती है, ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है, ना केवल हम शांत रहते हैं। तो ये मैं बताना चाहूँगा, योग के अंदर सभी चीज़ें हैं जिससे बीमारी होती है, कि सात्विक भोजन है, शारीरिक व्यायाम है, तंबाकू से छूटना है और तनाव को दूर करना है। तो इसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस क्या है? अब बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, हमने भी की हैं स्टडीज, कि जिस चीज से ये बीमारी होती है, मैंने जैसे बताया मानसिक तनाव से बीमारी होती है। मानसिक तनाव को सबसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छा प्रेक्षा ध्यान है, और इसके ऊपर हजारों स्टडीज हुई हैं, पेपर लिखे गए हैं कि अगर किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, तो प्रेक्षा ध्यान करने से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर आप भी लोग कर रहे हैं काफी दिनों से, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो नेचर है वो बदलता रहता है। तो जैसे ही हम तनाव को कम करते हैं, तो ये बीमारियाँ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा तक कम हो सकता है। तो ये तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है और आदमी को खुश रखता है हमेशा। दूसरा मैंने बताया कि कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये हार्ट डिजीज होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, तंबाकू होता है, इसके ऊपर भी बहुत स्टडीज हैं। हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत सारी स्टडीज हमने भी की है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका 160-100 से कम है, तो बगैर दवाई के ठीक कर सकते हैं। अपना खान पान ठीक रखें, नमक लें, कम लें और फल लें और साथ में प्रेक्षा ध्यान करें, तो हमने हजारों लोगों की दवाइयां कम कर दी। इस तरह डायबिटीज के अंदर भी अर्ली स्टेज में कोई दवाई के बगैर भी ठीक हो सकता है, मोटापा भी ठीक हो सकता है। तो ये जो भयंकर बीमारियां हैं हाई ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की, ठीक हो सकती है। और ब्लड प्रेशर के ऊपर तो इतनी सारी स्टडीज हैं कि अभी रिसेंटली बहुत बड़ी गाइडलाइंस अमेरिका से है, जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हाइपरटेंशन गाइडलाइंस, पहले
पहली दफा उन्होंने कहा है, हम तो काफी सालों से कह रहे थे, अमेरिका में जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उन्होंने कहा है कि तनाव को दूर करने के लिए हमें ध्यान करना है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ध्यान और योग से उन्होंने गाइडलाइन में पहली दफा कहा है कि ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो इसलिए सभी लोगों को करना चाहिए, खासकर अर्ली स्टेज में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी दवाइयों की, और अगर लेट स्टेज में भी करेंगे तो भी अच्छा है, दवाइयाँ कम हो जाएंगी। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि योग से अच्छा तरीका और कोई नहीं। दूसरा, डायबिटीज के अंदर भी बहुत बड़ी स्टडीज हुई हैं और ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि अर्ली स्टेज में डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत बड़ी स्टडी बेंगलोर से हुई थी, स्वासा यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नागेंद्र, उन्होंने अमेरिका में प्रेजेंट की थी कि आपको ध्यान करने से जो डायबिटीज है वो 40% कम हो सकती है। तो डायबिटीज के अंदर भी इसका बहुत फायदा है, मोटापे के अंदर भी इसका बहुत फायदा है। इसी तरह मैंने बताया तंबाकू, डी एडिक्शन मुश्किल चीज होती है, लेकिन अगर आपने तंबाकू छोड़ना है, अगर आपने सिगरेट छोड़ना है, तो प्रेक्षा ध्यान से बैठकर कोई तरीका नहीं। हमारे पास हजारों मरीज ऐसे आए जिनको जो सिगरेट पीते थे उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोर्स किया 5-6 दिन का, तब उनका सिगरेट पीने की तबीयत बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ शराब भी छूट सकती है इससे। तो ये तीसरी जो खतरनाक चीज है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तंबाकू, इसको भी छुड़वा सकती है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उससे बीमारी हो जाती है। तो ये देखा गया है कि प्रेक्षा ध्यान करने से, क्योंकि हमारे अंदर जो अच्छे हॉर्मोन्स पैदा होते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल तक कम हो सकता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है, LDL, इसी तरह अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड वो भी कम हो जाती है। तो अगर आप शांत रहेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। ये चौथा कारण है, जो मोटापा पांचवा कारण है, और ये मोटापा भी काफ़ी स्टडीज हुई हैं कि वेट को कम करने के लिए योग का बहुत बड़ा। लेकिन अगर बीमारी हो भी गई है, तो अगर आप अपेक्षा ध्यान करेंगे, शुरू से बीमारी नहीं है तो होगी नहीं, लेकिन अगर हो भी गई है तो उसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं। यही हमने स्टडी की थी आज से 25 साल पहले, इसको पब्लिश किया था कि अगर ऐसे लोग जिनकी आर्टरीज में ब्लॉकेज था उनको यहाँ पर लाए, हमने योग कराया और हमने देखा कि 1 साल अपेक्षा ध्यान करने के बाद उनकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज कम होना शुरू हो गया, और कई लोग जिनकी एंजियोप्लास्टी होनी थी, बाईपास होना था, वो इससे बच गए। तो तब से सुना आपने कि हमने हजारों लोगों को बचाया है, तो अब ये मैंडेटरी हो गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको हार्ट डिजीज है, जिसकी एंजियोप्लास्टी हो गई या बाईपास, उसको ये प्रेक्षा ध्यान करना, योग करना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी स्टडी अभी पब्लिश हुई है, इंडिया से ही है, 4000 लोगों में किया गया, जिनको हार्ट अटैक हुआ था, स्टेंट लगा था, उसमें उनको आधे लोगों को प्रेक्षा ध्यान सिखाया गया, योग सिखाया गया, और देखा गया कि 2 साल बाद उनके अंदर डेथ भी कम हो गई, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई। तो ये साइंटिफिक स्टडीज हो रही हैं कि हमें अगर बीमारी हो भी गई है उसको हम काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं, और रिहैबिलिटेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इसी तरह और स्टडीज़ हुई हैं कि किसी को हार्ट फेलियर है, ये हमने अभी भी स्टडी की है, इसका अगर हार्ट वीक हो गया है, इंजेक्शन फ्रैक्शन को कहते हैं, कम हो गया है, उसके अंदर भी इसका बहुत फ़ायदा है। दवाइयों के साथ साथ ऑफकोर्स करना है इसको, क्योंकि ये आजकल इंटीग्रेटिव मेडिसिन का जमाना है। इंटीग्रेटिव का मतलब है कि जो भी मेडिसिन है वो तो देनी पड़ेगी, बीमारी बहुत बड़ी हुई है, उसके साथ साथ दवाइयाँ इतनी असर नहीं करती, अगर आप योग को जोड़ देंगे तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो हार्ट फेलियर किसी का, उसमें भी हमने दिखाया है, और एक बहुत बड़ी स्टडी शुरू हुई है ICMR के द्वारा, वो भी 40 सेंटर में, कि इसका पूरा क्या फ़ायदा होगा, हमने तो ऑलरेडी दिखा दिया। अगर किसी का हार्ट इरेगुलर हो गया है, जिसको एरिथमिया कहते हैं, मिसिंग बीट्स हैं, उसके अंदर भी इसका बहुत फायदा दिखाया गया। तो अगर बीमारी हो भी गई है, एंजियोप्लास्टी हमने करवा भी ली है, बाईपास करवा भी लिया है, तो दोबारा बचने के लिए ये परीक्षा ध्यान योग करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है।
हमने जैसे बताया कि ये डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं अर्ली स्टेज में अगर डिजीज हो, ये भी हमने एक रिसर्च किया था गंगाराम हॉस्पिटल में, अर्ली स्टेज में तो बिल्कुल रिवर्स हो सकती है अगर बीमारी है। इसको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, पेट अगर हमारा पेट के अंदर मोटापा है, इंडियंस के अंदर एक मोटापा होता है जो पेट से बहुत मोटे होते हैं, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो उसके अंदर अर्ली स्टेज में डिजीज जो है वो रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है। तो ये प्रेक्षा ध्यान के लाभ हैं। प्रेक्षा ध्यान और योग के लाभ सिर्फ हार्ट डिजीज में नहीं है, और कई बीमारियों में आपने जैसे सुना होगा, जैसे मैंने अभी तो बताया डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, किसी को दमे की शिकायत है उसके अंदर इसका बहुत फायदा होता है, जोड़ों की तकलीफें रूमेटॉइड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर फायदा, पेट की तकलीफ किसी को है अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इरिटेबल बाउल है, कभी डायरिया कभी लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। इसी तरह इवन किडनी डिजीज में यहाँ पर प्रेक्षाधार में कुछ रिसर्च हो रही है कि शायद ये फायदा करे, कैंसर के अंदर भी इसका काफ़ी फायदा दिखाया गया है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे ऐसे कैंसर किलिंग सेल्स हमें इंक्रीज हो जाते हैं, इसके भी रिसर्च चल रही है। तो प्रेक्षा ध्यान से कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं, रोग से दूर रह सकते हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य केवल आपको बीमारियों से दूर रखना नहीं है, आपको ऐसा जीवन जीने का तरीका सिखाना है ताकि आप तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जी सकें। यही लाइफ का पर्पज़ है कि हम सब खुश रहना चाहते हैं, वी ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी, और हैप्पीनेस हमें पैसे से नहीं मिलती, पोजीशन से नहीं मिलती, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है हार्वर्ड में, मिलती है प्रेक्षा ध्यान करने से, हमारा एटीट्यूड कैसा है, अगर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं, अगर हमारे अंदर करुणा है, हम दूसरों की मदद करते हैं, एम्पथी है, कंपैशन है, तो उससे हमें खुशी मिलती है, ना कि पैसे से और उससे। इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका है और हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले सारी दुनिया को मनवा लिया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के थ्रू, कि इसके बहुत फ़ायदे हैं, स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका योगी है, इसीलिए बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन मैं आप सक्सेस कहना चाहूँगा, जो आपको सिखाया जा रहा है इसको अपनी जीवन में ढाल लीजिए रोज़, अपने लिए कम से कम 15 मिनट 20 मिनट निकालें, आधा घंटा निकालें और रोज़ करें इसको, रोज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली कितनी देर करना है, ये 24 घंटे करना है, इसको हमने योगी के एटीट्यूड मेडिटेटिव एटीट्यूड पर, इसका मतलब है अब आप अपने घर में भी चेयर में भी बैठें तो पीठ सीधी होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का योग है, आप हमेशा बीच बीच में सांस जो है लंबा और धीरे धीरे लें। तीसरा, अगर कोई अच्छी बात करता है बुरी बात करता है उसका असर नहीं हो, वही योग है, वही ध्यान है। जब आप खाना खाते हैं तब भी पूरे ध्यान से करें, इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, और ये दिखाया गया कि अगर आप अपने ध्यान के साथ खाना खाएंगे उसका फायदा ज्यादा होता है, चलते हुए भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मैंने देखा है लोग सैर करते हुए कभी पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, कभी और घर की बात करते हैं, वो ठीक नहीं है, पूरा ध्यान अगर आपका सैर की तरफ होगा तो उसका फायदा होगा। तो कोई भी चीज़ करें वो अपने माइंड के साथ करें, माइंडफुलनेस के साथ अवेयर होकर करें, इसी को हम ध्यान कहते हैं। अल्टीमेटली ये आपकी एटीट्यूड हो जाएगा, मेडिटेटिव एटीट्यूड अगर ये होगा तो आप ना केवल बीमारियों से दूर रहेंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे जो अपने लिए फायदेमंद होगा ही, अपने घर वालों के लिए, समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है कि अगर हमने समाज में शांति लानी है हमें खुद शांत रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और अपने 25 साल 26 साल के एक्सपीरियंस से योग से बताना चाहूँगा, ये स्वस्थ रहने का बहुत अच्छा तरीका है, और जो भयंकर बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल हैं जैसे हार्ट डिजीज मैंने बताई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इनसे दूर रहना है तो प्रेक्षा ध्यान योग से कोई अच्छा तरीका नहीं है, और योग से ना केवल आप बीमारी से दूर रह सकते हैं, हमेशा खुश और तनाव मुक्त जीवन भी जी सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सर, एक सवाल है, मुंबई से बात कर रहा हूँ सर। सर ये हार्ट डिजीज का ये हेरिडिटरी से कोई लिंक है क्या? और एक एक और बात सर, अजय शर्मा साहब ने अभी हमको पिछले 7-8 सेशन से
आपकी चिंतन धारा ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट को लेके बहुत अच्छी समझाई। तो उसमें सर अभी जो आज की लाइफस्टाइल में चीज है, बटर है, ये तो कॉमन हो गया, लेकिन इसके अलावा हम जो 60 के आसपास हैं वो हमने बचपन में दही दूध की मलाई बहुत खाई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमने सुना तो है शर्मा साहब से। जरूर जरूर, मैं आपको बताना, दो सवाल आपने पूछे, क्या हेरिडिटरी है? जी हाँ, हेरिडिटरी है, लेकिन थोड़े लोगों में होता है, लेकिन जिनको हमने देखा है फैमिलीज के अंदर, पेरेंट्स को है, यंग एज में अगर हो जाए उनको 50 साल से कम, तो ये चांसेस हैं, ज्यादा हैं, क्योंकि ऐसे जीन्स होते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े लोगों में होते हैं, 10%। और ये डीन ऑर्निश ने रिसर्च की है कि अगर आपकी हेरिडिटरी फैक्टर है तो भी योग के द्वारा आप जीन सप्रेशन कर सकते हैं, वो आपको बीमारी नहीं होगी। तो अगर आपके पेरेंट्स को है तो बचपन से शुरू कर दें, हालांकि अंदर आपके जीन्स होंगे लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो भी देखा गया है कि अगर इवन आपको हेरिडिटरी हिस्ट्री है, योग करेंगे तो वो हिस्ट्री कभी कोई फायदा नहीं होगा, उससे बीमारी नहीं होगी। दूसरा आपने पूछा कि क्या घी मलाई वगैरह खानी चाहिए, पहले हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है इसलिए कहते थे मक्खन नहीं खाना है। अब लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स इतने बुरे नहीं है, सबसे बुरा ट्रांस फैट्स हैं, जैसे वनस्पति है, तो अगर आप घी खाना चाहें, मक्खन भी खाना चाहें थोड़ा सा, तो खा सकते हैं। तो ये पुरानी थ्योरी सब चेंज हो गई है कि घी खाने से बीमारी होती है, ये बीमारी होती है रिफाइंड चीज़ें खाने से, चीनी से ज़्यादा होती है, मैदे से ज़्यादा होती है। तो अब आप खाना चाहें तो घी खा सकते हैं, जैसे आपने बताया, थोड़ी मलाई भी खा सकते हैं, और मक्खन जो घर का बना नहीं खाना वो भी खा सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन ये ट्रांस फैट्स यानी कि वनस्पति मत खाइए। ये हलवाई वालों के समोसे नहीं खाइए, तेल को बार बार गर्म नहीं करें तो आप रह सकते हैं। तो ये पुरानी थ्योरी जो थी कि आप घी नहीं खा सकते, मलाई नहीं खा सकते, वो गलत है, थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल इतना बड़ा रोल नहीं है जितना कि मैंने बताया दूसरी चीज़ों का है, रिफाइंड चीजों का है, नमक का ज्यादा है, तो उनको अवॉइड करने को अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। एक सवाल है, डॉक्टर साहब, मैं रमन गोयल। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिशनू चौधरी साहब ने भी यहाँ लेक्चर दिया था, उन्होंने हमें डिप डाइट बताई थी। उनका ये मानना है अभी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है मेनली इसको हील करता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसका कारण नहीं है हार्ट डिजीज का। तो अभी जैसे मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और डिप डाइट पे चल रहा हूँ, कि जो फल फ्रूट कम से कम दिन में 700 ग्राम और सब्जियाँ 650 ग्राम खाता हूँ मैं, तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है, कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है हार्ट ब्लॉकेज के लिए? देखिए, मैंने बताया ना कि डायट्री कोलेस्ट्रॉल का इतना बड़ा रोल नहीं है, डाइट के अंदर आप कोलेस्ट्रॉल खा सकते हैं, पहले हम कहते 300 ग्राम, अब कहते हैं ज्यादा भी खा सकते हैं, तो डायट्री कोलेस्ट्रॉल का नहीं। लेकिन अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो बहुत खतरनाक है, उससे हार्ट डिजीज होती है। वो जितना जिसको हार्ट डिजीज है उसको जितना कम करें वो अच्छा है, वो हम दवाइयों के साथ करते हैं, सिर्फ डाइट के साथ नहीं हो सकता। लेकिन बीमारी नहीं है तो सिमिलर सैचुरेटेड फैट्स का बड़ा लिमिटेड रोल है। हमने जो आपको बताया वो सारे साइंटिफिक स्टडीज हैं, जैसे उन्होंने कहा हम बिल्कुल मानते हैं कि फ्रूट खाने से ये बीमारी कम होती है, दिन में 3 से 4 बार 5 बार भी खाएं, ये अमेरिकन रिकमेंडेशन भी है कि 5 बार फ्रूट खाइए, और फ्रूट खाना चाहिए खाना खाने से पहले, और उस तरह का फ्रूट खाना है जो सीजनल है, ये जो स्टिकर वाला फ्रूट है वो मत खाइए, उसका बिल्कुल फायदा नहीं। सब्जियां खाने से भी फायदा होता है, सलाद वगैरह खाने से भी फायदा होता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि फ्रूट और वेजिटेबल अगर ज्यादा खाएंगे तो उससे ही बीमारी कम होगी। लेकिन दूसरी जो कारण है वो मैंने बताया, रिफाइंड चीजें बिल्कुल नहीं खानी, बिल्कुल चीनी और मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे भी बीमारी होगी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस तरह की बहुत सारी डाइट है, उनकी मैं डाइट को जानता हूँ, अच्छी डाइट है वो, इसी तरह की कम से कम 20 तरह की और डाइट है। कई डाइट में कहते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल खाइए, कईयों में कहते हैं कि आप लो कोलेस्ट्रॉल खाइए, फायदा सबका उतना ही, वेट कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, लेकिन ये जो मैंने साइंटिफिक ट्रूथ आपको बताए इसका इस्तेमाल करें तो अच्छा है। तो डाइट आपको नॉर्मल रखनी है, जिसमें फ्रूट ज्यादा खाना है और रिफाइंड चीजें कम खानी है, तो ये बीमारी कम। पद्मा जी, हाँ वो खा सकता है, लेकिन दूसरा उसमें एक तो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसको कच्ची खानी का, कोल्ड कंप्रेस्ड होना, हम ये रिफाइनिंग जो है,
80 साल 90 साल से शुरू हुआ है, तो ग्राउंड नट सेसमे ऑयल अच्छे ऑयल हैं, लेकिन उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम होता है। ओमेगा 3 एक प्रोटेक्टिव है, जैसे जो सरसों के तेल में पाया जाता है, कनोला ऑयल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, लेकिन सभी तेल अच्छे हैं, लेकिन वो रिफाइंड नहीं होने चाहिए। जो रिफाइनिंग कर दिया वो खराब कर दिया, लेकिन आप सबसे अच्छा तेल वो माना जाता है जिसके अंदर ओमेगा 3 भी है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो सबसे ज्यादा सरसों के तेल में या कनोला में पाया जाता है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन आप दूसरा तेल भी खाना चाहें खा सकते हैं, थोड़ा सा घी भी खा सकते हैं मैंने कहा, लेकिन वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी। जी रमणीक जी अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मैं रमणीक बोल रहा हूँ। रिसेंटली माय मदर शी हैज गॉन फॉर पेसमेकर सर्जरी एंड शी इज 80 इयर्स ओल्ड, शी इज नॉट हैविंग अदर डिजीज एंड ऑल, नथिंग, नो डायबिटिक, नथिंग। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशन शी हैज टेकन ऑफ इन फ्यूचर? देखिए जो बताया आपने पेसमेकर लगाया, वो यूजुअली क्या होता है, एज के साथ हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है, जैसे हमारी हार्ट रेट 70 होती है, वो किसी वजह से एज के साथ कम हो जाता है 30-40, फिर उसके बाद अगर और कोई बीमारी नहीं, कई लोगों को और बीमारी कोई नहीं होती है, बस ध्यान यही रखना है कि पेसमेकर जब लगता है तो लोगों को एकदम टेंशन हो जाता है कि बैटरी है क्या है। तो हमने देखा है कि जिन लोगों को पेसमेकर लगता है, खासकर एडवांस पेसमेकर जिसको ICD कहते हैं, उन लोगों को बहुत टेंशन होता है, और उनको परीक्षा ध्यान करने का बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि एक तो तनाव कम हो जाता है और जो हार्ट की इरेगुलर रिदम है वो खासकर ICD में वो कम हो जाती है, ये देखा गया है, शॉक्स कम लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसको पेसमेकर लगा हुआ चाहे नहीं लगा हुआ, परीक्षा ध्यान करनी जरूरी है। सिर्फ वो कुछ एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते जिसमें शोल्डर्स की ज्यादा मूवमेंट हो, क्योंकि यहाँ से वो पेसमेकर की तार जाती है, बाकी वो ध्यान कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सभी सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं, शोल्डर्स वाली छोड़ के सभी कर सकते हैं उससे। हाँ, यूजुअली एंजियोप्लास्टी जैसे होती है मोस्टली, वो हार्ट की होती है, उसके 15 दिन बाद शुरू कर देते हैं, और बाईपास सर्जरी होती है तो 3 महीने बाद, क्योंकि हीलिंग अंदर कंप्लीट होती है। इसी तरह पेसमेकर को भी हम कहना चाहेंगे कि आपने पूरा अगर योग करना है तो 3 महीने वेट कर लीजिए, लेकिन अगर आपने प्राणायाम और ध्यान करना है वो तो 15 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। और किन्हीं को कुछ कहना है? डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ, मेरा आयोटिक डिसेक्शन हुआ था, सर्जरी हुई है, तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? देखिए आयोटिक डिसेक्शन एक बड़ी भयंकर बीमारी है, सर्जरी हुई है, बहुत अच्छा है। ये इसका कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर को आपको रखना है ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रखना है, तो उसके लिए आपको खान पान का ध्यान रखना है, अगर दवाई की जरूरत है वो भी लेना है, ब्लड प्रेशर के लिए भी आपको ये परीक्षा ध्यान करना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ब्लड प्रेशर देखिए ठीक रहता है, हम चेक करते रहते हैं, लेकिन बीच में फ्लक्चुएट करता है, कभी गुस्सा अगर हमें आ जाए तो एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 150-200, उसमें डिसेक्शन हो सकता है। तो ये मेडिटेशन का, परीक्षा ध्यान का बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि हम हमेशा शांत रहते हैं, कोई बात अच्छी बात कोई बोल रहा है, कोई बुरी बात बोल रहा है, उसका असर नहीं होता, तो ब्लड प्रेशर हमारा स्टेडी रहता है। ये देखा गया है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, कभी 180 हो जाए, कभी 120 हो जाए, वो खतरनाक है, जैसे शुगर भी है, कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए, वो ठीक नहीं है। तो अगर आपको स्टडी रहना है, ब्लड प्रेशर को स्टडी रखना है, तो सबसे अच्छा तरीका परीक्षा ध्यान, तो जो यहाँ सिखाया जा रहा है वो करें, साथ में दवाइयां लेते रहें। हाँ, शुगर तो नहीं है मुझे, पर ये प्राणायाम सभी जो योगा है वो नहीं कर सकती हूँ, तो कपालभाति वगैरह कर सकते हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे देखिए 80,000 मरीज थे, सबको हार्ट डिजीज थी, सभी कर सके, लेकिन अगर आपका हार्ट वीक है, फिजिकली नहीं कर सकते, धीरे धीरे करें, जैसे वो कहते हैं 1 मिनट में 40 दवा या 50 दवा नहीं करें, धीरे धीरे कर सकते हैं। अच्छा। और अगर कपालभाति करने से चक्कर आते हैं तो मत करिए, प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, सभी प्राणायाम का लाभ है, लेकिन करना प्रॉपरली है। प्राणायाम का मतलब है कि आपको लंबा सांस लेना है, गहरा सांस निकालना है, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा जाए। दूसरा, हार्ट ब्रीदिंग रेट कम होना चाहिए, जैसे हम 18-20 दफा करते हैं, उसको 8-10 दफा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, स्लो करें, डीप करें, यही प्राणायाम है। इससे देखा गया है कि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, मोर ऑक्सीजन जाती है, और आजकल कोविड आपने देखा होगा,
प्राणायाम के द्वारा ये काफी स्टडीज आई हैं कि कोविड को भी दूर रखा जा सके, क्योंकि हम लंग्स को यूज नहीं करते, 40% लंग्स यूज करते हैं। डॉक्टर साहब मिल्क ने से मुझे फायदा हुआ। डॉक्टर साहब मिल्क के बारे में क्या राय है? मिल्क आवाज में माथुर साहब, माथुर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब मिल्क के बारे में क्या राय है? मिल्क एक प्रश्न आया सर, मैं बोलता हूँ सर, एक प्रश्न आया है कि कौन सा सॉल्ट लेना चाहिए और दूध किस उम्र तक लेनी चाहिए और कौन सा दूध ज्यादा अच्छा है, तो माथुर साहब का उसमें शामिल हो रहा है। जी सर प्लीज। देखिए दूध का कोई हर्ज नहीं है, गाय का दूध बेटर है बफलो के मिल्क से, और A2 मिल्क आता है हमारी देसी गाय है उसका अगर दूध मिल जाए, आपने सुना होगा A2 मिल्क जो है, अगर जो देसी गाय छोटी गाय होती थी वो सारे इंटरनेशनली अब दुनिया में पॉपुलर हो गया, A2 मिल्क कहते हैं उसको, वो मिलता है किसी किसी जगह पर, आप चाहें वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दूसरा मिल्क भी लेना चाहें तो मॉडरेशन में डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, इसमें से दूध के साथ आप छाछ भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं। दही के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि दही खाने से हमें हार्ट डिजीज और डायबिटीज कम हो जाती है, तो लो फैट आप ले सकते हैं मिल्क, यानी कि उसको उबाल के मलाई निकाल देकर भैंस का दूध लेते हैं। अगर आपको A2 मिल्क मिल जाए इसका बहुत ज्यादा फायदा है, A2 मिल्क गाय का होता है, देसी गाय जो हमारे देश में मिलता है, अगर आपको मिलता है तो उससे अच्छा कोई दूध नहीं है, वो रोज लेना चाहिए आपको, बहुत अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये आजकल ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो 6.5 मानते हैं नॉन डायबिटिक के लिए या 7 मानते हैं? Has it been, is there a change in it? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए लैब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, अबव 6 इज कंसीडर्ड एज प्री डायबिटिक, 6 से लेके 6.4 तक कहते हैं इसको प्री डायबिटीज कहते हैं, 6 है कई लोगों की लैब, 5.8 भी है, आइडियली 5.7 तक नॉर्मल है, 5.8 से लेके 6.4 तक प्री डायबिटीज है, यानी डायबिटीज होने का खतरा है, और 6.4 से ज्यादा हो तो फिर आपको डायबिटीज है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है बहुत देर से है और आपको हार्ट डिजीज दी है तो हम कंट्रोल करने वक्त 7 रखते हैं, क्योंकि जिनका लो रखा जाए उनको बीमारी ज्यादा हो जाती है, उनको हार्ट डिजीज ज्यादा, क्योंकि लो रखें अगर जिनको बीमारी है तो उनका लो ब्लड शुगर हो जाता है हाइपोग्लाइसिमिया में, उससे हार्ट डिजीज ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो 7 तक रखिए, लेकिन आपका आइडियली 5.8 से कम होना चाहिए, अगर 5.8 और 6.4 के बीच में है तो भी आपको पूरे ध्यान रखना है कि मैंने जैसे बताया रिफाइंड पर 7 रहता है तो 7 नॉर्मली रहता है तो शुड आई कंसीडर माय सेल्फ डायबिटिक? यस यू आर डेफिनेटली डायबिटिक, एनीबॉडी अबव 6.4 इज डायबिटिक, लेकिन डायबिटिक का मतलब ये नहीं है कि आपको दवाइयां लेनी है, आप बगैर दवाई के भी कंट्रोल कर सकते हैं, और बड़े सिंपल चीजें, रिक्शा ध्यान करिए तो ये आपका 7 कम हो जाएगा, हमने देखा है कि 0.5-0.6 तक ये कम हो जाता है तो आपका 6.4 तक आ सकता है। उसमें एक्सरसाइज करनी है, डाइट पे ध्यान रखना है, रिफाइंड चीजें खास नहीं लेनी है, और रिक्शा ध्यान करना है, ये तीनों काम अगर करेंगे तो ये 7 से 6.4 आ जाएगा। हाँ जी, अरे कोलेस्ट्रॉल की दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं क्या? क्योंकि मेरा डाइट में घी तेल नहीं है लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रॉल हाई आता है अगर मैं दवाई नहीं लूं, और दवाई लेती हूं तो वो ठीक हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं क्या? बहुत कम है, देखिए साइड इफेक्ट 1000 में से 1 को साइड इफेक्ट होता है, मसल पेन्स वगैरह होती है, लेकिन बहुत सेफ है, किसी को भी अगर हार्ट अटैक हो गया उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हमेशा हम कहते हैं सारी उम्र आपको ये स्टैटिंस लेने हैं, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवा देनी है, क्लोस्ट्रीन लोअरिंग दवा के बहुत फायदे भी हैं, साइड इफेक्ट बहुत मिनिमल है, किसी किसी को 1000 में से 1 को हो सकता है मसल पेन हो जाए या कुछ लेवल की, रेगुलरली लेना चाहिए या वंस इन अ व्हाइल ले ले, हफ्ता ऑल्टरनेट ले ले, रेगुलरली लेना चाहिए, क्योंकि अगर डाइट के बावजूद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा इसका मतलब फैमिलियल है, आपके अंदर जीन्स है जिससे बड़ी होती है, हमारे पास कई लोग हैं बहुत बड़ा हुआ है बचपन से बड़ा, इसको फैमिलियल कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, यानी ऐसे जीन्स हैं जिससे बड़ा हुआ है, उसके लिए दवाई लेनी जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको हार्ट डिजीज है कोलेस्ट्रोल की दवाई से डरना नहीं चाहिए, हमारे जितने भी पेशेंट परीक्षा ध्यान करते सभी लोग दवाई ले रहे हैं, दवाई के साथ हमने जोड़ा जब उनको बीमारी थी परीक्षा ध्यान को तो उनको फायदा ज्यादा हुआ। सर ये ब्लड और डाइट कोलेस्ट्रॉल के बीच में क्या ब्रॉड फर्क क्या हो गया सर, दो शब्द में अगर? क्या चीज? ब्लड कोलेस्ट्रॉल और डाइट कोलेस्ट्रॉल,
इन दोनों के बीच में ब्रॉडली क्या फर्क हुआ सर? नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये है कि वो मेटाबोलाइज होके उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहिए। कोई भी चीज जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ट्रांस फैट्स हैं, वनस्पति है, वो उसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सैचुरेटेड फैट्स खाने से भी थोड़ा बढ़ता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। डाइट्री कोलेस्ट्रॉल खाने से इतना नहीं बढ़ता है। हमने सोचा था कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाएंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन 85% जो कोलेस्ट्रॉल है वो लिवर पैदा करता है। अगर वहां से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो लिवर कम यूज करेगा, तो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये अभी रिसेंटली हुई है 10-15 साल से की इंफॉर्मेशन, और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो लिवर कम बनाएगा, तो जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल है चेंज नहीं होता। इसलिए डाइट और इसमें बड़ा फर्क है, क्योंकि डाइट वाला कोलेस्ट्रॉल हमेशा नहीं बढ़ाता है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए डाइटरी कोलेस्ट्रॉल आप ज्यादा ले सकते हैं, अगर ज्यादा लेंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा अनलेस यू हैव अदर रिस्क फैक्टर्स। डॉक्टर साहब साल्ट के विषय में बता दीजिए। साल्ट मैंने बताया बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि सबसे आम बीमारी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर है हर एक तीसरे व्यक्ति को, और इसका कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ये अधिक नमक खाने से होता है। अगर हम 25% नमक कम कर दें, यानी कि ऊपर जो सॉल्ट डालते हैं इंडिया के अंदर 25% कम हो जाए, तो ब्लड प्रेशर की संख्या 25% कम हो जाएगी, और ये कम हो गई तो हार्ट डिजीज भी कम हो गई 25%। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा कंपेन लिया हुआ है कि 2025 तक हमने 25% सॉल्ट सारी दुनिया में कम करना है, और उसके लिए सारी कंपेन सारी दुनिया में चल रही है और इंडिया में भी चल रही है। तो नमक ऊपर से नहीं डालें, दही में, सलाद में और अचार वगैरह जरा कम ले। सॉस कितना है अगेन रिपीट करेंगे जरा? 130, 138, 140, like that. Is that okay? तो 140-90 से कम होने की फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर आपका 140-90 है तो 2-3 बार चेक करें और देखें कि ये कम होता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम टेंशन में है तो ये बढ़ जाएगा, और वैसे कम, बट 130/80-90 is quite normal. डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी कि इको स्प्रिंट दवाई खाने में और कोलेस्ट्रॉल दवाई खाने में क्या फर्क है? अलग अलग चीजें। देखिए इको स्प्रिंट तो ब्लड को क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, थिनिंग ब्लड थिनिंग मेडिसिन है। जैसे किसी को स्टेंट लगता है तो हम ब्लड थिनिंग मेडिसिन देते हैं, किसी को हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक के दो कारण है, एक तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दूसरा है कि उसके ऊपर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्लॉट बन जाता है। तो ये दोनों दवाइयाँ दी जाती हैं जब किसी को हार्ट डिजीज हो जाए, ताकि दोबारा नहीं हो। लेकिन इकोस्प्रिन वैसे नहीं खानी चाहिए, इसका खतरा भी है, क्योंकि ब्लड थिनिंग हो जाती है तो कई बार पेट के अंदर अल्सर भी ब्लीड कर सकता है, ब्रेन के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो अननेसेसरी नहीं लेनी है। लेकिन अगर हार्ट डिजीज हो गई है तो अंडर मेडिकल सुपरविजन यू हैव टू टेक लाइफ लॉन्ग एस्प्रिन। और नहीं, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैं उसके लिए ब्लड थिनर यही ले लेती हूँ इकोस्प्रिन, तो वो अपने मन से। ये गलत है, ये गलत चीज है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई लेनी है, ये नहीं लेनी है। ये खतरनाक एस्प्रिन खतरनाक गिनी जाती है, क्योंकि इससे किसी किसी को हजार में एक लोगों को अगर ब्लीडिंग हो गई ब्रेन के अंदर पेट के अंदर तो वो खतरनाक हो सकती है। लेकिन जो स्टैटिन हैं कोलेस्ट्रॉल की दवा, उसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं। व्हाट अबाउट कोकोनट ऑयल? कोकोनट ऑयल सर? कोकोनट ऑयल इज अ गुड ऑयल। यू सी दी इट, ऑल्दो इट हैज सैचुरेटेड फैट्स, इट हैज मीडियम चेन फैटी एसिड्स। हमने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन हार्ट जर्नल में दैट कोकोनट ऑयल इज नॉट दैट बैड। एक्चुअली कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन फैटी एसिड होती है, तो ये फ्राई के लिए बहुत अच्छा है। घी और कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड। आपने कोकोनट ऑयल के और भी फायदे सुने होंगे, अमेरिका में लोग जिनको अल्जाइमर है, लॉस ऑफ मेमोरी है, उसके लिए 4-5 चम्मच रोज लेते हैं। तो कोकोनट ऑयल कैन बी यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट एंड इट इज नॉट अ बैड ऑयल, इट्स वेरी गुड फॉर फ्राइंग, सो इट कैन बी यूज्ड जस्ट लाइक घी। आई सेड पहले हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स नहीं लेने, अब कहते हैं कि आप लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाला 170, 180 तक चला जाता है।
तो दोनों ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने चाहिए। ये 160 बहुत हाई माना जाता है, उसको कंट्रोल करना है। क्या नीचे का 68 है? ओल्ड एज में क्या होता है कि ऊपर वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला 170 हो सकता है, नीचे वाला 80 हो सकता है, तो लेकिन इसको भी ठीक करना। दोनों ब्लड प्रेशर जरूरी है, खासकर एल्डरली एज में तो ऊपर वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे वाला मतलब 80 तक हो तो ठीक है, कुछ नहीं होगा उसका। तो नीचे वाले की परवाह नहीं करें, ऊपर वाले का ध्यान रखें। ऊपर वाला 140 ऊपर नहीं होना चाहिए, वो खतरनाक। कुंतल सेन जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, आई एम अ पेशेंट ऑफ योर्स फॉर लास्ट 2 years। आई एम सफरिंग फ्रॉम बीपी एंड शुगर फॉर लॉन्ग टाइम। आई अंडरवेंट एंजियोप्लास्टी ट्वाइस एंड आई हैव 4 स्टेंट्स इन माय राइट, आई मीन आरसीए। नाउ रिसेंटली फॉर लास्ट 1 week 10 डेज माय लिटिल फिंगर व्हाइल आई वेक अप इन द मॉर्निंग ये थोड़ा फोल्ड हो जाता है एंड आई थोड़ा पेन होता है एंड आई नीड टू पुश मायसेल्फ टू मेक इट स्ट्रेट। सो इज इट एनीथिंग रिलेटेड विद शुगर? इट कुड बी रिलेटेड, क्योंकि शुगर में क्या होता है कि नर्व्स जो है थोड़ी वीक हो जाती है। यू शुड गेट ए चेकअप फॉर दैट। कई बार आर्टरीज भी नैरो हो सकती है, लेकिन कई बार सर्वाइकल से भी हो सकता है, उसका चेकअप होना चाहिए। लेकिन परीक्षा ध्यान इज द बेस्ट यू आर डूइंग, और उसके साथ साथ आप कुछ ले रहे होंगे, न्यूरोबियोन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ले लेना चाहिए, और एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे परीक्षा ध्यान में आपको सूक्ष्म किरणें जो कराते हैं उसके अंदर ये हाथ की भी कराते हैं। हमने देखा है कि ये अगर बॉल को लेके दबाते रहें या कुछ एक्सरसाइजेस करें जो सिखाया जाता है आपको उसमें परीक्षा ध्यान में सूक्ष्म किरणें हैं, उससे भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन इसका कारण पता कर लीजिए। B12 भी आप चेकअप करा सकते हैं, सर्वाइकल भी देख सकते हैं। किसी डॉक्टर मेरे पास आएंगे तो मैं देख लूंगा इसका क्या कारण है, उसका इलाज करें। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी रवि जी, प्लीज आपको दिखाने का प्रोसेस। ना जी प्लीज, रवि जी को बोलने दीजिए प्लीज। एक एक करके। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज का पेशेंट हूँ फॉर अबाउट लास्ट 20 years, और मुझे एज ए प्रिकॉशनरी डॉक्टर्स आई हैव नो हेल्थ हार्ट इश्यूज, बट मुझे एट्रोवास 10 mg और इकोस्प्रिंट 75 mg पे डाल रखा है, तो शुड आई टेक दीज टू मेडिसिंस या कंसल्ट करूं किसी को? नहीं नहीं, देखिए कई बार ऐसा होता है, हार्ट डिजीज होती है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के साथ, उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस इको या इको का टेस्ट करा लीजिए स्ट्रेस के साथ, या कई बार CT एनजीओ करते हैं, क्योंकि ये दोनों बीमारियों के साथ चांसेस है कि आपको ब्लॉकेज है। और एटोरवास्टैटिन तो लेते हैं सभी पेशेंट्स को, जैसे आप जैसे हैं, उनकी डोज थोड़ी हाई लेनी होती है, कम से कम 20 या 40 मिलीग्राम। एस्प्रिन तभी देते हैं कि अगर कुछ हाई रिस्क हो, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा हुआ है, स्मोक करते हैं, या आपके स्ट्रेस टेस्ट में पॉजिटिव है, तो एस्प्रिन रूटीनली नहीं लेनी चाहिए। मैंने बताया ये इतनी सेफ मेडिसिन नहीं है, लेकिन जो एटोरवा आप ले रहे हैं वो लेते रहिए, उसका बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन अगर इकोस्प्रिन तभी लेनी है अगर और फैक्टर्स हैं आपको, जैसे अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, अगर स्मोक करते हैं तभी लेना चाहिए, या आपके स्ट्रेस टेस्ट में कुछ पॉजिटिविटी आती है। CT एनजीओ भी कई बार करते हैं देखने के लिए कोलेस्ट्रॉल जमा तो नहीं हुआ है उसके। तो ये टेस्ट मैंने जो आप कह रहे हैं ये सब टेस्ट अभी रिसेंटली करवाए हैं, तो दे आर नॉर्मल, बट स्टिल स्ट्रेस इको कराया या CT एनजीओ कराया, क्या कराया? तीनों कराए, स्ट्रेस कराया, उसमें थोड़ा सा डाउट आया था, फिर वो दूसरा जो आपने बोला वो कराया, उसमें भी फिर डॉक्टर्स ने मुझे अल्टीमेटली बोला CT एंजियोग्राफी कराओ, वो भी करवाया, उसमें देयर इज नो ब्लॉकेज। बिल्कुल नहीं है ब्लॉकेज, फिर जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर है थोड़ा सा भी ब्लॉकेज फिर लेनी चाहिए, दैट्स ऑल, क्योंकि एस्पिरिन इज नॉट दैट सेफ। हां फिर नहीं लेना है, आई वुड से ओनली एटोरवा ले लीजिए, एटोरवा स्टेट, राइट। केसी जैन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर दिखाने का प्रोसेस क्या है, आपको दिखाने का प्रोसेस क्या है डॉक्टर साहब? हमसे मिल लीजिए, बीना जी हमसे बात कर लीजिए, दिखाने का प्रोसेस हम बता देंगे। अजय शर्मा जी बताएंगे। ठीक है ठीक है, हमारे साथ केसी जैन सर जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा केसी जैन सर सर के साथ अपना कर ले। जी सर, चावल RCM का चावल का तेल आता है वो ले सकते हैं क्या? राइस ब्रेन ऑयल अच्छा है मैंने बताया, बस रिफाइंड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आजकल मिक्स करके भी है, क्योंकि राइस ब्रैन ऑयल में ओमेगा 3 नहीं है, तो उसको
मिला के भी देते हैं, तो ये ले सकते हैं, सभी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मिक्स करते रहे तो अच्छा है। इसमें सरसों का तेल या घी वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 ज्यादा अच्छा होता है। ओमेगा 3 एक अच्छा फैट है जो हमें लेना चाहिए। थोड़ी सी सर सेंधा नमक कैसा रहेगा? सेंधा नमक खाते हैं, सेंधा नमक बेटर है उससे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, वो भी ऊपर से नहीं डालना है। सेंधा नमक अगर खाने में यूज करें तो उसका ज्यादा फायदा है, पोटेशियम वगैरह होता है उसके अंदर, लेकिन ऊपर से नहीं ऐड करना। हमने देखा लोग सेंधा नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, सोडियम उतना ही होता है, इससे भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। सेंधा नमक खाइए अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा मत खाइए। डॉक्टर साहब चावल का तेल जो आरसीएम का लेते हैं सर, खाए नहीं खाए, बहुत साल से खा रहे हैं। कौन सा खा रहे हैं? आरसीएम का चावल का तेल आता है, राइस का चावल तेल बना आता है, ये अच्छा है, लेकिन अगर आपको कच्ची घानी का मिल जाए, रिफाइंड ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिफाइंड तेल इतना अच्छा नहीं माना जाता। तेल ज्यादातर रिफाइंड ही आता है। चावलों का तेल रिफाइंड होता है क्या? चावलों का तेल रिफाइंड वाला होता है? हाँ, रिफाइंड सारे ही रिफाइंड आते हैं तकरीबन, बहुत थोड़े कम आते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है, या तो कच्ची घानी का लिखा होता है या एक्स्ट्रा वर्जिन लिखा होता है। अगर आपको कच्ची घानी का एक्स्ट्रा वर्जिन मिल जाए फिर ले सकते हैं। मैंने बताया तेल कोई खराब नहीं है, लेकिन ओमेगा 3 तेलों में कम होता है, तो ओमेगा 3 कम होता है। ओमेगा 3 तो मेन उसमें होता है ना, ये सरसों के तेल में होता है, कनोला में होता है, घी में होता है, और नट्स में होता है, बादाम में, अखरोट में बहुत होता है। बादाम अखरोट में ओमेगा 3 बहुत होता है। तो कितने बादाम अखरोट खाने चाहिए सर दिन भर में? 15 से 20 रोज, मैंने बताया 15 से 20। उसमें आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, कोई भी नट्स ले सकते हैं। 15 से 20 बादाम खाने एल्डरली लोग जो हो ना, खासकर जो दवाइयाँ लेते हैं जिसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, उनको हो सकता है, लेकिन 99% लोगों को फायदा होता है, तो इसलिए हमें नमक देते हैं। किसमें? थायराइड में जो हमें सुबह गोली खानी होती है। हाँ, उसमें नमक तो नहीं देते हैं। नमक तो देते हैं। क्या होता मतलब? What is that medicine? वो थायराइड, देखिए थायराइड एक हार्मोन होता है, थायरोक्सिन जिसको कहते हैं, वो पैदा करती है हमारी बॉडी, हमारा थायराइड पर उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो वही हम हार्मोन दे रहे हैं जो डेफिशिएंट है, वो तो सारी उम्र लेना पड़ता है। ये थायरोक्सिन कहते हैं, थायरोनॉर्म कहते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, वो तो लेनी चाहिए सारी उम्र। योग से थोड़ा बहुत फायदा होता है, थोड़ी सी रिसर्च हुई है, लेकिन इसके ऊपर मोर रिसर्चेस नहीं, उसके लिए दवाई लेनी है सारी उम्र, वो उसका सॉल्ट से कोई रिलेशन नहीं। ओके सर। सर हेलो, हेलो नमस्कार सर। हेलो नमस्कार। हाँ जी, हाँ सर, अगर जैसे कच्ची घानी ऑयल को हम सरसों के तेल को आग पे रखते तो क्या वो रिफाइंड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, उसको रिफाइंड ऑयल नहीं होता। रिफाइंड ऑयल का मतलब है केमिकली, उसको क्या होता है कि तेल जो होता है ना, जब उससे निकलता है तो उसको केमिकली ट्रीट करते हैं, उसके अंदर कुछ हम उसको पहले हीट करते हैं 300 डिग्री पे, ताकि उसके अंदर इंप्योरिटीज खत्म हो जाए, फिर उसको ब्लीच करने के, स्मेल खत्म करने के लिए कुछ केमिकल्स डालते हैं, तो केमिकल से नुकसान हो जाता है। दो बार अगर ऑयल को हीट किया जाए, बार बार हीट किया जाए, तो उसके अंदर ट्रांस फैट्स पैदा हो सकते हैं, इसलिए रिफाइनिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको दो बार गर्म करते हैं और उसमें केमिकल्स डालते हैं। जो कच्ची घानी का होता है, आपने देखो कोल्हू का, उसको भी करते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन फिजिकल क्लीनिंग करते हैं, उसके अंदर फिल्टर वगैरह लगाते हैं, कपड़े से करते हैं, वो करते हैं, उसमें केमिकल नहीं डालते। रिफाइनिंग का मतलब यही होता है कि उसके अंदर केमिकल डाल रहे हैं और उसको बार बार गर्म करते हैं 300 डिग्री पे। मैंने बताया अगर बार बार गर्म किया जाए तेल को, तो उससे ट्रांस फैट्स पैदा होते हैं, तो इसलिए रिफाइंड अच्छा नहीं माना जाता। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पहले मैं साधना केंद्र में आया था, तो वहाँ पर ये आरसीएम का चावलों वाला तेल यूज करते थे, तो मैंने भी अपने घर में पिछले 20-25 साल से यूज कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं वो नहीं, नहीं आप देख लीजिए, मुझे पता नहीं इतने सारे ब्रांड्स हैं कि आरसीएम का है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर जगह हर कच्ची खाने का सब जगह मिले, लेकिन अगर मिलता है तो बेटर है। ये कुछ स्टोर्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं या डेली हार्ट है, वहाँ से मिलते हैं ये सारे कच्ची घाने के तेल, किसी भी टाइप का लेना चाहे, तिल का लेना चाहे, इसका लेना चाहे,
राइस ब्रैन वो सब मिलते हैं, किसी किसी जगह मिलते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है इसलिए लोगों को पसंद नहीं है। सर इफ यू आर यूजिंग दैट रिफ कच्ची गानी ऑयल इट यू कैन हीट इट अगेन एंड अगेन, हाउ वंस इफ वी हीट इट दैट्स ऑल यू हैव टू थ्रो इट वंस और ट्वाइस यू कैन हीट इट अप, लेकिन बार बार नहीं करना है। आपने हलवाई को देखा हो, हलवाई क्या करते हैं वो समोसे बनाते हैं, दिन भर बनाते रहते हैं, रात को बच जाता है अगले दिन फिर यूज करते हैं। तो घर में भी आप तेल को बार बार गर्म नहीं करें, थोड़ा ही तेल इस्तेमाल करें, खत्म करें उसको, नेक्स्ट डे मत इस्तेमाल करें, क्योंकि बार बार तेल को गर्म, रिफाइंड तेल तो पहले दो बार गर्म हो चुका होता है, तीसरी बार हम करते हैं और नुकसान होता है, इसलिए नॉन रिफाइंड तेल है उसको एक या दो बार कर सकते हैं, और ऐसा तेल इस्तेमाल करना है जिसका वो हीटिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और उसमें सबसे ज्यादा अच्छा मैंने बताया जैसे घी है, कोकोनट ऑयल है या सरसों का तेल है, तो ये तेल है इनका हाई बर्निंग पॉइंट है, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार किसी तेल को नहीं गर्म करना, एक दो दफा कर सकते हैं, टू टाइम्स यस नॉट मोर देन। सीजन सर हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार ज्ञान साहब। हाँ डॉक्टर साहब आज मुझे देरी हुई, कल संवत्सरी का वो उपवास था सारे जैन परंपरा में और आज क्षमावाणी का कार्यक्रम था, तो सबसे पहले तो मैं सभी अपने साधकों से डॉक्टर साहब से आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ, कहीं कोई हमसे भूल रही हो मन से या वचन से, हमने आपको किसी का किसी भी तरह से ठेस पहुँचाई हो। जैनों का ये पर्व है और हम प्रयास करते हैं कि हम मन से आपके पास पहुँच पाए, और मैं जानता था डॉक्टर साहब, मैंने प्रयास किया, सुबह मुझे साध्वी जी के यहाँ जाना था तो मुझे मालूम था कि डॉक्टर साहब का सेशन शुरू हुआ है तो 9:15 से पहले संपन्न होगा नहीं, वो बहुत प्रश्न आएंगे ये लंबा चलेगा। अभी डॉक्टर साहब आपने चर्चा की उसकी थायराइड की, तो थायराइड के बारे में बस मैं केवल ये शेयर करना चाहता हूँ, ये सारी एनेक्डोटल बात है कि 2011-12 में मुझे थायराइड हुआ था और मुझे मेरा वजन 10-12 किलो कम हो गया था और मैं सिग्नेचर तक नहीं कर पाता था, मेरे हाथ इतने कांपते थे कि आई कुड नॉट इवन साइन, और उसके बाद मैंने 2 साल अपने ऊपर मेहनत किया, आसन किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, और संयोग से मेरा ट्रांसफर जो है उस वक्त पटना हो गया था, वो मैं पटना जाने में प्रसन्न नहीं था लेकिन पटना से मुझे बड़ा लाभ हुआ कि मुझे वहाँ समय मिल जाता था, तो मैं बहुत ही नियमित रूप से अपना आसन प्राणायाम ध्यान व्यायाम करता था, और 2 साल पूरा होने से पहले ही मेरी थायराइड की दवा 2014 में कंप्लीट छूट गई और अब 6 साल मुझे हो चुके हैं थायराइड की दवा ली हुए, मैंने उसके बाद थायराइड की दवा नहीं ली। तो ऐसे एनेक्डोटल केसेज हैं जहाँ जो है वो आप कहीं रिवर्सल की सोच सकते हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत की जरूरत होती है, उतने ही श्रम की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि व्यवहार के क्षेत्र में देखने में आया है, मैं बम्बई के अंदर एक सर्जन के पास था तो सर्जरी के बाद उन्होंने कहा कि साहब मेरा अनुभव ये बताता है कि फिजियोथेरापी और जो मेहनत शरीर को चाहिए होती है सर्जरी के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, केवल 10% लोग ही व्यावहारिक जगत में वो श्रम कर पाते हैं, 90% कर नहीं पाते, उनको मालूम है कि इसे करने से हम ठीक हो जाएंगे, वो नहीं कर पाते हैं, यदि करें तो वो ठीक हो जाएंगे। तो नॉर्मल जितना हम आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं, एक रूटीन हमने करते हैं अपने आप को शरीर को मन को स्वस्थ रखने के लिए, वो तो जरूरी है ही है वो एक स्वस्थ जीवन को रखने के लिए, लेकिन यदि आपको वास्तव में उससे छुटकारा पाना है तो अपने आप को कमिट करना होगा, अपने आप को डेडिकेट करना होगा, फिर बाहर आने की अपनी संभावनाएं बन जाती हैं, दवा से छुटकारा पाने की संभावनाएं बन जाती हैं। डॉक्टर साहब ने तो अपने जीवन के अंदर हजारों लोगों को प्रेरित किया है, लाखों लोगों को देखा है, और डॉक्टर साहब की प्रेरणा से एक अब एक माहौल बना है, डॉक्टर साहब इसके ऊपर 3 दशक से लगे हुए हैं, एक माहौल बना है मेडिकल जगत के अंदर भी, आज हम किसी को भी कोई बात हमसे कोई करना चाहता है हम एकदम से तुरंत रेफरेंस देते हैं कि साहब अगर आपको हमसे समझ में नहीं आ रहा तो डॉक्टर मनचंदा जी से पूछ लीजिए, और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो हेड रही हो कार्डियोलॉजी के और अपने आप को जिन्होंने नियोजित किया हो पिछले 3 दशकों से इस काम के लिए, तो उनकी बात सुनकर के लोगों को संतोष होता है कि अच्छा डॉक्टर मनचंदा अगर आप कह रहे हैं तो ये बात सही होगी, और डॉक्टर मनचंदा ऐसे ही बात नहीं कह रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर इनको पब्लिश किया है, देश विदेश में पूरे दुनिया के अंदर घूम घूम करके अपनी इस बात को इन्होंने दुनिया वैज्ञानिकों के सामने रखा है, डॉक्टरों के सामने रखा है कि देखिए इस प्रकार से यह प्रभाव होता है, और डेली सैकड़ों हजारों पेशेंट्स को देख करके मतलब अभी लेटेस्ट भी आप इतने लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि साहब हम डॉक्टर साहब के पेशेंट,
तो जो डॉक्टर साहब के पास जो लोग आते हैं और उनको डॉक्टर साहब डेली देखते हैं कि देखिए किस किस व्यक्ति में क्या क्या करने से कितना परिवर्तन होता है, अध्यात्म साधना केंद्र के साथ भी डॉक्टर साहब का पिछले 3 दशक का लगाव है और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं अपने सारे उपस्थित साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के इस मार्गदर्शन का पूरा लाभ उठाएं। हम डॉक्टर साहब को जब भी निवेदन करते हैं हमारे कार्यक्रम में आकर के मार्गदर्शन हमें जरूर प्रदान करते हैं। कोरोना के चलते ये कठिनाई भी हुई है, सुविधा भी हुई है। पहले डॉक्टर साहब को हम बहुत रेगुलरली बोधर करते थे, अध्यात्म साधना केंद्र में जितने भी कैंप होते थे उसमें डॉक्टर साहब को हम निवेदन करते थे कि आपको उपस्थित होना है। तो अब डॉक्टर साहब कोरोना के समय में इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से हमारा कार्यक्रम चलता रहे और आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप इतना आके इतना सब समझाए, इतना हमने कंफर्मेशन पुष्टि हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत आपको क्षमा याचना के पर्व पर हमारी तरफ से क्षमा सब लोगों को, क्योंकि आज क्षमा याचना पर्व ही है। तो और ये सूचना के साथ कि कल से हम सेशन को परिवर्तित थोड़ा कर रहे हैं, एक्सटेंडेड योगासन, एक्सटेंडेड प्राणायाम एंड एक्सटेंडेड ध्यान, कल मंडे को ये होगा। यानी कल लेक्चर नहीं होकर ये खाली प्रयोग पर ज्यादा बल होगा। आगे भी जब जैसा होगा मैं बताता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी का भी धन्यवाद कि आपने पूरा समय दिया और इस पर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।